दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर अब बिग बॉस एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि घर के अंदर से एक सदस्य बाहर होगा और ये हमने आपको बता दिया है कि कौन सा सदस्य जो है वो बाहर होने वाला है। खेसारी लाल यादव बाहर हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी प्रक्रिया रखी जाएगी जो कि घर के अंदर सभी की आंखें खोल कर रख देगी। यानी कि घर के अंदर बिग बॉस सभी को लिविंग एरिया में एकत्रित करेंगे। उसके बाद बिग बॉस ये सवाल पूछेंगे कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा अनडिजर्वेंट कंटेस्टेंट आपको कौन सा लगता है, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि आपको लगता है कि अभी तक घर में सो रहा है और उसका घर में कुछ बड़ा योगदान नहीं है। और यहाँ पर दो नाम सबसे ज़्यादा निकल कर आने वाले हैं, एक तो है खेसारी लाल यादव जी और दूसरे हैं रश्मि देसाई। आपको बता दें कि खेसारी लाल और रश्मि देसाई को यहाँ पर आई ओपनर की तरह भी लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप घर में कुछ नहीं करेंगे तो आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा। ये बिग बॉस ने अब साफ तौर पर सबको जता भी दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान कंटेस्टेंट की सहमति और उनकी वोटिंग के आधार पर एक सदस्य घर से बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ पर वो सदस्य खेसारी लाल यादव रहने वाले हैं। और इसी के साथ रश्मि बाल बाल बच गई हैं। रश्मि पिछले कई हफ्तों से जब से वो घर में कमबैक किया है तब से वो नज़र टीवी पर कम ही आ रही है और अब ये आई ओपनर रहने वाला है रश्मि देसाई के लिए। अगर वो घर से बाहर हो जाती हैं तो उनके फैंस का दिल ज़रूर टूट जाएगा। रश्मि सबसे नॉमिनेटेड भी हैं। वहीं अगर बाकी सदस्यों की बात करें तो इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, देबोलीना और आरती सिंह भी नॉमिनेटेड है। अब देखना होगा कि घर के अंदर क्या क्या और होता है, क्योंकि अब खेसारी लाल यादव के घर से बाहर होने के बाद ये बात तो एकदम क्लियर होती नज़र आ रही है कि अब कुछ बड़ा घर में होने को है। क्योंकि अगर आप घर में बड़ा योगदान नहीं देंगे तो आपको घर से बाहर का रास्ता दिखा ही दिया जाएगा। खेसारी लाल यादव के घर से बाहर होने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।